अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ हम सब लोग खैरियत से हो गए। यार यहाँ पे हमारा जंग में दूसरा दिन है, तो हमको पता है कि पेपर देने आए हुए थे। यहाँ पे हम सब बहुत उठ चुके हैं, हमने ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। हमारे पीछे एक और लड़का खड़ा जो हमारे साथ आया था यार, उसके बाद हमने घर पर भी लेके आए थे। तो यहाँ पे हमने प्रेस कर, यहाँ पे हमने यार उनसे हिस्ट्री मांगी थी। तो यार मेरा दोस्त कहता है यार मेरा भी प्रेस कर दो। मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, कर देते। उसका मैंने सूट नीचे बिछा दिया और मेरे पास लैब कोर्स है यार, जिसे ओवरऑल भी कहते हैं यार। इसे मैंने कुछ स्टार्ट करना प्रेस करना स्टार्ट किया तो मुझे समझ नहीं आ रही थी इसका क्या प्रेस करूँ या क्या ना, क्योंकि यार पता नहीं किस तरह प्रेस करते हैं। मुझे कुछ भी इसका समझ नहीं आ रहा था उसका, लेकिन फिर भी पढ़ना तो था, इसलिए प्रेस करके हम अब निकलते हैं। तो यार हमने रास्ते में जाना था, मेरे को सोचा यार थोड़ा सा व्लॉग बना लिया, जो मेरे कपड़े इस्त्री है वो भी आपको दिखा दूँ कि इस तरह किस तरह हुए हैं। तो यार हम जाने के पेपर देने के लिए, तो हम वापसी से मिलते हैं आप। यार हम पेपर देकर वापस आ चुके हैं, तो वापसी भी जाते हुए मैंने को सोचा वैसे वापसी को थोड़ा सा व्लॉग तो बनता है यार। पेपर अच्छा हुआ तो सारे खुश थे। वापसी पर व्लॉग बनाने की कोशिश बची थी, मेरे दोस्त ने अपने कंधे के ऊपर इस तरह लैब कोड रखा हुआ है, जिस तरह जैसे हम किसी पेड़ में जाते हैं तो वो यार वहाँ पे कंधे पे साफन रखा हुआ, तो उस तरह लैब कोड रखा हुआ। तो यार हमें वहाँ पे भूख लग रही थी, हम तो हम यहाँ पे नाश्ते वाली दुकान ढूंढ रहे थे क्योंकि आए थे तो हमें पता नहीं था यहाँ पे कौन से नाश्ते वाली शॉप ने करी है। तो यार हमने यहाँ पे काफ़ी टाइम ढूंढते रहे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा और व्लॉग बनाते रहे मेरे साथ, देख सकते हैं अपने फ़ोन में लगा हुआ भाई यार हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। लेकिन आपको पता है जो लोग इस तरह फ़ोन पर लगे थे वो किस लिए लगे होते हैं, तो आपको ये बेहतर पता होगी। मैंने सोचा चलो यहाँ पे आप लोग कर दिया तो अल्लाह हाफिज़।